आपकी अदालत रजत शर्मा के साथ। योगी जी, प्यार मोहब्बत की बात तो ठीक है, लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। मैं एक सन्यासी हूं और एक सन्यासी होने के नाते सच बोलने का साहस करता हूं, तो सच है वो बोलता हूं। देश की राजनीति सच स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है एक दिन उस सच को, अपने अस्तित्व के लिए अपने उस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा सच आप कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहेंगे? मुझे लगता है किस परिपेक्ष्य में हुआ है, किस परिपेक्ष्य में कहा गया है, पूरा वक्तव्य सामने आएगा तो मुझे लगता है उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से बोलो। चलिए, आपको मैं पूरा वक्तव्य सुना देता हूं आपका। ऐसी क्या बात है, ये वीडियो हमारे पास में है 27 जनवरी 2007 का, गोरखपुर में, कैसे आपके मुंह से मशीन गन से भी ज्यादा आग निकल रही है, आपको सुनवाते हैं। अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग इसी कतई। अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। अगर कोई हिंदुओं के घरों और दुकानों में आग लगाता है तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको इन सब कृत्यों को करने, इस प्रकार के कृत्य करने से कोई रोकता है। बंधु, ये सब सीमाएं स्वाभिमान और सम्मान की पराकाष्ठा को तोड़ती जा रहे हैं और आज आप सबको इसके खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। मैन जी, पूरे फ्लो में बोल रहे हैं आप। भगवा वस्त्र पहन के, साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? देखिए, मैंने उस बात को कंडीशनल कहा है। अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूं, अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी, अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके और दुष्टों को उनके कृत्यों की सजा भी दी जा सके। एक सन्यासी का सही कर्तव्य होता है। योगी जी, आप भारत की पार्लियामेंट के सदस्य हैं, आप उस सर्वोच्च व्यवस्था में हैं जो कानून बनाती है, आप लोगों से कह रहे हैं कि हम FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे, आप गब्बर सिंह हैं कि ये? हमने प्रशासन से इस बात को कहा। जब प्रशासन बात नहीं मानता है, जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, जहां पर वो किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है, गोरखपुर में दर्जनों व्यापारियों की दुकानें आग लगाई जा चुकी थी, एक व्यापारी की हत्या सरेआम इसलिए कर दी जाती है क्योंकि एक हिंदू बालिका को जबरन मुहर्रम का जुलूस उस बालिका के साथ जबरन करने का प्रयास करता और वो व्यापारी उसको बचाने के लिए आता है तो उसकी हत्या सरेआम पुलिस की जीप से खींच करके, चाकू से गोंद करके उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं। आखिर हम लोग बाकी इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? अपने लोगों को संगठित करके इस प्रकार के अन्याय का प्रतिकार करना, मुझे लगता है जब कानून और व्यवस्था फेल हो जाती है, जंगल राज हो जाता है, तो जंगल राज का जवाब जैसे को तैसा देने की तैयारी होनी ही चाहिए। योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ऐसे विकास करेंगे लोगों के घर जला के उनको मार के? हमने कहा हम पहल नहीं कर रहे हैं, हमने अपने तरीके से नहीं जलाया है। हम कह रहे हैं कोई हमारा जलाएगा तो ये निश्चिंत होकर के नहीं बैठे, लोगों को भड़का रहे हैं, उनको हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं, ये कानून अपराध है। मैंने ये कहा कि अगर कोई हमारा जलाएगा तो वो सुरक्षित नहीं बैठेगा। हम फिर इस बात की प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि प्रशासन आएगा, हमारी बात को सुनेगा और फिर वो अपने तरीके से फैसला लेगा। प्रशासन रोके अन्याय, मैं फिर कहता हूं ना कि अन्याय किसी के साथ ना हो, लेकिन हम अन्याय सहेंगे भी नहीं।